बोली जाने वाली बोलने जाने वाली भाषा तथा कर्नाटक की राजभाषा है। यह भारत की उन 22 भाषाओं में से एक है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। यह भारत की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक है। 4.5 करोड़ लोग कन्नड़ भाषा प्रयोग करते हैं। एनकाटा के अनुसार विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली 30 भाषाओं की सूची में कन्नड़ 27वें स्थान पर आती है। यह द्रविड़ भाषा परिवार में आती है पर इसमें संस्कृत के भी बहुत से शब्द हैं। कन्नड़ भाषी लोग इसकी सिरी कन्नड़ कहते हैं। कन्नड़ भाषा का अस्तित्व कोई 2500 वर्ष पूर्व से तथा कन्नड़ लिपि का प्रयोग कोई 1900 वर्ष से हो रहा है। कन्नड़ अन्य द्रविड़ भाषाओं की तरह है और तेलुगु तमिल और मलयालम इस भाषा से मिलती जुलती है। कन्नड़ संस्कृत भाषा से बहुत प्रभावित है और संस्कृत के बहुत सारे शब्द कन्नड़ में भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। भारत सरकार ने कन्नड़ को भी भारत की एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। कन्नड़ भाषा के विकास क्रम में 4 अवस्थाएं मानी जाती है जो इस प्रकार है। अति प्राचीन कन्नड़, हल कन्नड़, नडु कन्नड़, होस कन्नड़। कन्नड़ की वर्णमाला में कुल 47 वर्ण है। आजकल इनकी संख्या 52 तक बढ़ा दी गई है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ वर्ड वाक्य बताना चाहती हूँ। मेरे पीछे पीछे आपने कहना है हेलो, नमस्कार, व्हाट इज योर नेम, निम्म हेसरु एनु, माय नेम इज पुष्पा, नन्न हेसरु पुष्पा, हाउ आर यू, न्यू हेगिंदिरी, आई एम फाइन, नानो चन्न दिद्देने, धन्यवाद।